आपको अगर बॉडी को स्वस्थ रखना है तो आपको प्रकृति के पास तो लौट के आना ही आना पड़ेगा। प्रकृति का सानिध्य आपको चाहिए ही। घंटे 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 भर एसी में रहते हैं, अपने ऑफिस के रूम्स में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, हम बाहर निकलते, कोई भी आर्टिफिशियल दवाइयां या फिर आर्टिफिशियल। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मेरा नाम है शिवम, आपका स्वागत करता हूँ। और जो हमारी आज की वीडियो बनने वाली है वो इतनी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग के साथ में इतनी ज़्यादा अगर हम कहें दुर्भाग्य वाली वीडियो है। दुर्भाग्य वाली वीडियो क्यों है, मुझे वीडियो बनानी पड़े, दैट मीन्स कि दुर्भाग्य हमारा है ही, राइट। देखिए जिस देश में, भारत देश में आप रहते हैं उस देश के अंदर हम भगवान मानते हैं सूर्य को। जिस देश में आप रहते हैं वो वहाँ सूर्य को हम लोग पूजते हैं, उसकी उपासना आराधना करते हैं। उस देश में सूर्य को हम लोग अर्घ अर्पित करते हैं सुबह उठने के बाद में, नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद में। जिस देश में योग करते हैं तो सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं। उस देश के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी किसी को हो जाए, सोचिए कितना बड़ा स्रोत है ऊर्जा का सूर्य, कितना बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का सूर्य ही है। वहां से कितनी ऊर्जा हमको मिलती है, विटामिन डी की कमी हमको कैसे हो सकती है? क्या भारत देश जहां पर सूर्य सबसे पहले निकलता है उस देश के अंदर बच्चों को विटामिन डी की कमी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसके अंदर जो लोग रहते हैं उनको दवाई खानी पड़े विटामिन डी की, उनको विटामिन डी के इंजेक्शन लगवानी पड़े? ऐसा दुर्भाग्य और क्या होगा, इससे बड़े दुर्भाग्य वाली बात क्या होगी? तो ये फॉल्ट हम में है। इसका कारण क्या है कि हम लोग घंटे 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 भर एसी में रहते हैं, अपने ऑफिस के रूम्स में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, हम बाहर निकलते नहीं। अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमको डरा दिया गया कि बाहर निकलोगे तो आपका सन बर्न हो जाएगा, आपकी स्किन जल जाएगी, आपके चेहरे पर रैशेज आ जाएंगे, फेस पे ग्लो खत्म हो जाएगा, सनस्क्रीन लगाओ, ये करो, वो करो, वो करो, बहुत कुछ हमको सिखा दिया है। तो क्या ऐसा वास्तव में है? ये गलत बात है। देखिए आपको अगर बॉडी को स्वस्थ रखना है तो आपको प्रकृति के पास तो लौट के आना ही आना पड़ेगा। प्रकृति का सानिध्य आपको चाहिए ही चाहिए हमेशा के लिए। प्रकृति के पास आएंगे आप तो ही आपकी आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको एक सुंदरता मिलने वाली है, राइट। तो क्या जो हम लोग विटामिन डी की गोलियां खाते हैं या फिर हम इंजेक्शन लगवाते हैं सही है? ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, ये कम्प्लीटली नेचुरल है। आप उसके हार्मोन्स अलग से ले रहे हैं। आप सोचिए कि विटामिन डी जो कि प्राकृतिक रूप से आपको मिलती है भगवान सूर्य से, उसको आप अलग से ले रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू, क्या ये गलत नहीं है? कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो आपको इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा आपको विटामिन डी को दूर करने के क्या क्या हमारे पास नेचुरल उपाय हैं जो कि प्राकृतिक रूप से आप उसे कर सकते हैं। पहले उपाय की बात करते हैं। फर्स्ट उपाय जो हमारे पास है वो है सनलाइट लेना। देखिए आप एक नियम बनाइए अपना कि आपको हर दिन नियमित रूप से अपने घर से बाहर निकलना है या फिर घर की छत पे आप आ जाइए और आपको कम से कम आधे घंटे सनलाइट लेनी है। आप उसमें चाहे कुछ भी करिए, आप चाहे उसमें दौड़ो, भागो, खेलो, कूदो, आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर। ये नहीं कि आपको सिर्फ खाली खड़ा होना है, नहीं, आप उसके सानिध्य में आ जाइए, उसके लाइट के अंदर में आ जाइए और आप कुछ भी कर सकते हो। फिर आप वहाँ थोड़ी देर लेट जाइए, चाहे आप योग कर सकते हैं वहाँ पर, आप कसरत कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, अपनी बॉडी की मालिश कर सकते हो, आप नहा सकते हो छत पे आके, धूप में आके, आप कुछ भी कर सकते हो। तो फर्स्ट जो मैंने कवर किया टॉपिक, दैट इज कि आपको सनलाइट लेनी है। सेकंड बात करते हैं कि जितने भी फूड्स जो कि सन की लाइट में ग्रो होते हैं, मीन्स की सपोज कीजिए आपने कुछ खाना बनाया जो कि कुकर में बनाया था आपने, तो उसके पास ना तो कोई पवन का स्पर्श हुआ, ना तो उसके पास हवा पहुंची, ना उसके पास सन की लाइट पहुंची। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आप खाना वहां पर बनाएं जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचे और हवा का स्पर्श हो, मींस कि उसके पास वायु पहुंच जाए, उसके पास सूर्य का प्रकाश पहुंच जाए, तो वो खाना ऑटोमेटिकली विटामिन डी से भर जाता है। देखिए मशरूम से भी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। मशरूम को आप कैसे खा सकते हैं? मशरूम को चाहे तो आप सब्जी बनाइए उसकी, चाहे आप कुछ भी बना सकते हैं, चाहे आप उसकी भुर्जी बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए, उसे आप खाइए, तो उससे विटामिन डी की कमी आपकी पूरी हो जाती है। काओ के मिल्क, गाय का दूध आप पी सकते हैं। देखिए गाय के अंदर जो हमारी शुद्ध देसी गौवंश है, भारतीय नस्ल की जो गौवंश है, उसके जो ऊपर यहाँ पर गर्दन के पास एक हम्प निकला होता है ऊंचा सा, उसके अंदर एक नाड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड सूर्य केतु नाड़ी, जिस नाड़ी के अंदर सूर्य की किरण उसके अंदर पहुंचती है, जिसकी वजह से दूध उसका पीला हो जाता है। आपने देखा जो दूध हम गाय का पीते हैं थोड़ा पीला होता है, वो उसका रीजन यही होता है कि उसके अंदर जो प्रकाश है सूर्य का वो उसमें सेव हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसका रंग पीला हो जाता है। तो उसको आप पी सकते हैं। गाय का आप घी खा सकते हैं, गाय का आप मक्खन खा सकते हैं, गाय का आप पनीर खा सकते हैं बना के दूध का।
उसको आप खा सकते हैं, तो इससे विटामिन डी की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जिसमें आप नट्स खाइए, आलमंड्स खाइए, आप बहुत कुछ खा सकते हैं, जितने भी नट्स है, पंपकिन सीड्स, उससे भी आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है आपको, आपको सूर्य की किरणों में जाके, जहाँ पर सूर्य निकलता है, अगर हो पाए तो सुबह सुबह जो हमारा प्रातःकाल जो होता है, उस टाइम पर आप बाहर निकल जाइए अपने घर से, उस टाइम पर आप जाके योग का अभ्यास करिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, योग का अभ्यास करके कुछ सिंपल आसन कर सकते हैं आप, उसका थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं, और अगर उस टाइम पर धूप निकल जाए थोड़ी थोड़ी, तो उस धूप में आप उसका अभ्यास करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो कुछ मैंने बातें कही आपसे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, जो कि आपके लिए बड़ी अच्छी थी, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है विटामिन डी की कमी को पूरी करने के लिए। तो विटामिन डी को आप पूरा करिए और नेचुरली इसको सब कुछ कवर कीजिए, इसमें आप कोई भी आर्टिफिशियल दवाइयाँ या फिर आर्टिफिशियल मेडिसिन लेते हैं आप उसको मत खाइए, हार्मोन्स मत लीजिए विटामिन डी के, आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में हैम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बॉडी के अंदर बन जाते हैं, उसको मत खाइए, नेचुरली आप सब कुछ खाइए, तो उससे आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत स्वस्थ रहने वाले हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, अगर आप चाहते हैं कि आपको योग का अभ्यास करना है, अगर मेरे गाइडेंस में चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपके आंसर्स का मैं रिप्लाई भी करूँगा और साथ में हम लोग अभ्यास करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो।